शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आराम जादो, ये तीसरा मौका है कि पुलिस ने हमारे माल पर छापा मारा है। आखिर कौन इन्फॉर्म करता है पुलिस को? मुझे तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा लगता है कि तुम ही में से कोई कमीना है जो हमारे साथ दमाखरामी कर रहा है। तुम लोग जो बीच पर मेरा इंतजार करो, मैं ड्रामा फिट करके आती हूँ, समझे? ये केस कत्री, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? सेठ जी से मिलना है। सेठ जी नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। साहब जी, सेठ। तुम यहाँ? सेठ, महीने का आखिर है, बड़ी कड़की चल रही है, राशन का भी वादा हो गया, 100 का पत्ता उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, तापड़ तोड़ चुका दूंगी। लो कि जेबें काट के चुका दोगी? दे दो ना सेठ जी, मैं भी कभी आपके काम आ सकती हूँ। दे दो ना, शहद की मक्खी को वैसे पकड़ने की जा तो काटने को दौड़ती है, कोई खूबसूरत फूल सामने रख दो तो खींची चली आती है। कभी कोई खूबसूरत फूल की जरूरत पड़े तो याद कर लेंगे। चलो। जी सेठ। 100 रुपए तो क्या, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अगर तुम शहद की मक्खी को पकड़ने के लिए खूबसूरत फूल बन जाओ। जी मैं समझी नहीं। बगला भगत के बच्चे ने हमारा नाक में दम कर रखा है, हम उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं, और इसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। घबराइए नहीं सेठ जी, जरूरत इजाद की माँ है। माँ नहीं, बेटी। बेटी? मंजूर है। यार बैठे बैठे कंटाला आ गया, उस्ताद नहीं आया। आ जाएगा उस्ताद। आ गया उस्ताद। क्या हुआ उस्ताद? अरे मामला एकदम हिट, स्टेशन एकदम फिट। अब माँ को किसी तरह स्टेशन भेज देना चाहिए। चा? नहीं तो अपनी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। वो कैसे? क्योंकि माँ को अपने इस ड्रामे में कोई रोल नहीं, अगर वो यहाँ रहेगी तो अपने ड्रामे का सब चौपट हो जाएगा। उस्ताद बड़े बड़े लेखक लिख गए हैं, जिस ड्रामे में माँ का रोल ना हो तो माँ को तीर्थ यात्रा भेज दो। तीर्थ यात्रा? हाँ यात्रा। गुड आइडिया, चलो। हाँ चलो माँ, रेडी हो जाओ। जब भी आती है तूफान की तरह, इसीलिए तो तूफान मेल का टिकट लेकर आई हूँ। टिकट? कैसा टिकट? तुम्हारी तीर्थ यात्रा के लिए? अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे क्यों? दिवाली सर पर आ रही है, उसके बाद ही जाऊंगी। मर गए, दिवाली तक तो अपना दिवाला हो जाएगा। क्या मतलब? ये सब खर्च हो जाएंगे फिर कड़के के कड़के। माँ ऐसे मौके को हाथ से मत जाने दो, धर्म कर्म के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए, पाप लगता है। लेकिन बेटी मैं सोच रही थी तेरे हाथ पीले करके ही यात्रा पर जाओ। यही ना, पहले यात्रा कराओ, बाद में मेरा हाथ पीले करते रहना, जब तक मैं किसी दिन कौड़ा करती हूँ। तो कौड़ी की जेब कतरी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम। सर मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लीजिए। रंजीत, मैंने सोच समझ कर सोनी का इंतखाब किया है। वो खूबसूरत है, होशियार है, चालाक है और चुस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब और जरूरतमंद होने के नाते हमारे इशारों पर ना चाहिए। मगर तुम्हारा प्लान क्या है दौलतराम जी? हमारा प्लान यह है कि कल से सोनी जेब कतरी नहीं बल्कि करोड़पति सेठ दौलतराम की बचपन की खोई हुई इकलौती बेटी कहलाएगी। अखबारों में, टेलीविजन पर चौंका देने वाली उसकी खूबसूरत तस्वीरें आएंगी। बगला भगत के खिलाफ सोनी के ऐसे बयान छपेंगे जिसे बगला भगत पढ़कर अपने पंजे झाड़कर सोनी के पीछे पड़ जाएगा। वो सोनी के पीछे और हम उस उल्लू के पट्टे के पीछे। अब देखता हूं वो कैसे बच के जाएगा हमसे।
पसंद आया मास्टर प्लान? वाह वाह दौलतराम वाह, काय थारू भेजो है। अरे धने को अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, अमेरिका में। अगले जन्म में अमेरिका में ही पैदा होऊंगा। और देखो ये काम आज रात तक हो जाना चाहिए। गुरु गुरु मोजा चमत्कार, सोनी जेब कतरी की किस्मत खुल गई। क्या फिर से हवालात पहुंच गई? हवालात नहीं, महलों में पहुंच गई। वो अपने सेठ दौलत राम की बचपन की खोई हुई बेटी निकली। क्या बक रहे हो? यकीन न हो तो ये पढ़ लो। हे भगवान, मुझे भी किसी करोड़पति का खोया हुआ बेटा बना दे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेलकम माय स्वीटहार्ट। दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी इस खुशी के मौके को दोबारा करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। आज 18 वर्ष के बाद मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस मिल गई। क्या यूं समझिए कि मुझे मेरी दूसरी जिंदगी मिल गई। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी प्यारी बेटी को हीरो का वो हार भेंट करता हूँ जो इसकी स्वर्गीय माँ की निशानी है। मैडम, आपको यहाँ आते ही कैसा महसूस हुआ? झोंपड़े में रह के मैं हमेशा महलों के ख्वाब देखा करती थी। मेरे ख्वाब पूरे हो गए, मुझे मेरी मंजिल मिल गई और मुझे जीने का सहारा। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मशहूर लुटेरा बगला भगत जिसने आपका डैडी को परेशान कर रखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, तब मेरे डैडी अकेले थे। अगर वो मर्द का बच्चा है तो आ जाए मेरे सामने, मैं अपनी माँ की निशानी की कसम खाकर कहती हूँ कच्चा चबा जाऊंगी। अरे दौलत राम सेठ, आज शू तारो वक्त के बिल्ली मोरिया सेठ, अल्लाह मेहरबान गदेड़ा फैलवा। नर्क लोक से स्वर्ग लोक में पहुंचने की ही मुबारक हो। रंजीत बाबू, कैसे हैं आप? गुरु, ये पिद्दी तो आते ही ऊंची हवाओं में उड़ने लगी। और खतर न मुझे आता है, जरा देखते जाओ। मैं बूढ़ा आदमी, इस उम्र में गाता बजाता अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं सेठ दौलत राम, अब तुम बूढ़े कहाँ, आज तो तुम्हारी जिंदगी के 20 साल वापस आ गए। हो जाए कोई भड़कता हुआ धड़कता हुआ प्रोग्राम जो तुम्हारी जवानी की याद ताजा कर। प्रोग्राम तो तुम्हारा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जुगलबंदी करनी पड़ेगी। हो जाए सेठ जी, मतलब तो महफिल जमाने से है, आपने जमा दी, मैंने जमा दी, या हम दोनों ने जमा दी। हो जाए सुनी। मिस्टर साहब, इस गले से हार गायब हो गया। गायब कैसे हो सकता है, यही कहीं होगा। क्या बात है मिस्टर साहब, क्या हुआ? कौन है भाई? जाने मन जान आने मन, आपके हुस्न और दिलेरी ने बंदे को जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बना दिया है। तुम जहां जहां, हम वहां वहां। वैसे तो आपके कातिल हुस्न को देखकर बड़े बड़े डाकू डाका डालना भूल जाएं, लेकिन भरी महफिल में आपके चैलेंज ने मुझे छोटा सा नमूना बतौर तोहफा पेश करने पर मजबूर कर दिया। मगर घबराइए नहीं, मैं इतना घटिया इंसान नहीं कि एक हसीना की सुराहीदार गर्दन की सजावट को ले उड़ूं। लिहाजा अपनी माँ की निशानी अपने बाप की बाईं जेब से निकाल लीजिए। बड़ी साईं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती, जब सोनी सड़क पर थी तो बड़ी तुम्हारे आगे पीछे चक्कर मारती थी, और मैलों में बोलते ही उस सगड़ी मुई ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तो बा। गुरु, अब तो उसे 14 नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा। मूर्ख, नसीब जिसका साथ दे उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। कभी सोनी हमारे पीछे घूमती थी, अब अपने को सोनी के पीछे घूमना पड़ेगा। गुरु, तुम गए लंबे चक्कर में। लंबे चक्कर में नहीं, छोटे चक्कर में। क्या मतलब? कहानी के अंदर कहानी। कहानी के अंदर कहानी। तुकाराम, अब अकल के साथ साथ शक्ल से भी काम लेना पड़ेगा,
और फिर सोनी अपने हाथ में, और सोनी के जरिए सेठ दौलतराम अपने पांव में, और सेठ दौलतराम की बदौलत उसकी सारी दौलत अपनी मुट्ठी में। सर, आई गॉट अ वेरी वेरी थ्रिलिंग न्यूज फॉर यू। वो बहुत अच्छा न्यूज कम टू द पॉइंट। हाँ भाई, मैं बताता हूँ आपको। सर बताइए, इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा? दोनों असली। और सर, ये असली है और ये नकली। कमाल है। कमाल तो उस नोट छापने वाली मशीन का है सर, जो हमने फॉरेन से मंगवाई है। शाबाश। फिर ऐसा करो, बजट आने से पहले करोड़ों के ऐसे नोट छाप कर मार्केट में फेंक दो और मार्केट से करोड़ों का अनाज खींच लो, फिर देखो क्या होता है। ओके सर। पटलाल आज सुबह इन हीरों की डिलीवरी दे गया था, लेकिन रात के हादसे के बाद अब हमें कोई भी कीमती चीज यहाँ नहीं रखनी चाहिए। नीचे भी नहीं सर? नहीं। तो फिर कहाँ रखें? अपना जो बंगला है ना, उसके ड्राइंग रूम में जो खुफिया तिजोरी है वहां रख दो। वहां कोई रहता भी नहीं, किसी को शक भी नहीं होगा। राइट सर। समझे?